शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी तबीयत तो ठीक है सिंह साहब? चरण, मैं करण पुत्र नामालूम के लिए सजाए मौत की दरखास्त करता हूं। थैंक यू अरुणा। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम करण को हकीकत में गुनहगार ठहराती है, इसलिए ताजराते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम करण पुत्र नामालूम को सजाए मौत का हुक्म देती है। अफसोस है करण, मैं तुम्हें बचा ना सकी। अरे वाह भैया, कमाल कर दिया। Thank you.
एक सूचना के अनुसार नामी स्मगलर करण, जो भरी अदालत से फरार हो गया था, अभी तक लापता है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस को उसकी वकील मिस करुणा की भी तलाश है, जो उसी दिन से लापता है। अनुमान किया जाता है कि वे दोनों साथ साथ कहीं छिपे हुए हैं। उन दोनों का पता बताने वाले को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे और सरकार ये भी घोषणा करती है कि रेडियो बंद करने से करण का खतरा कम नहीं होगा। मियां, करण भागने में कामयाब हो गया है मजीद भाई, और आप यहां बैठे यू सिगरेट पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। अरे होना क्या है मियां, करण अगर पुलिस से बच जाएगा तो हमारे अट्टे चढ़ जाएगा, हमसे बचेगा पुलिस के अट्टे चढ़ जाएगा, आखिर तो उसका अंजाम वही होना है ना, मौत। मुझे तो अपनी ही मौत दिखाई दे रही चारों तरफ। अरे मियां लाहौल पढ़ो, डरे और उससे मियां वो चीज क्या है कमबख्त है ए मिर्ज़ा, वो कौन सी कहावत है वो? अरे मजीद भाई, क्या पिद्दी का शोरबा आधा। पिद्दी खाते हैं आप? बड़ी लजीज होती है। मेरा तो यह डर के मारे बुरा हाल है, अगर मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मियां उसके हत्थे मत छोड़ो तुम। मजीद भाई आप मेरा सारा कारोबार ले लीजिए, लेकिन मुझे करण से बचा लीजिए। देखो मियां, यूं तो तुम्हारा सारा कारोबार है ही मेरा, तुम्हारे पास ले दे के अपना कुछ है तो वो अपनी जिंदगी अपनी जान, और तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। ए मिर्जा जी, ये इबू भाई के बंगले पे ले जा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर मैं अकेला रहा तो करण के सामने देख देख के मर जाऊंगा। देखो मियां, डर के मारो तुम सोगे नहीं, सोगे नहीं तो सपने नहीं देखोगे। ले जाते, नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी है, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई।